इस ट्यूटोरियल में हम विद मल्टीपल शीट्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक से ज्यादा शीट में काम करते हो तब कम समय का इस्तेमाल हो उसके लिए कुछ प्रक्रिया देखते हैं। आपको कोई डेटा एक से ज्यादा शीट में चाहिए हो तब डुप्लीकेट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि शीट एक में जनवरी से दिसंबर तक का डेटा देते हैं, इसी डेटा को दूसरी शीट में चाहिए तो शीट नेम के पास में डाउन पॉइंटिंग ट्रायंगल देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके डुप्लीकेट ऑप्शन सेलेक्ट करें। शीट एक को रीनेम करके 2015 और शीट दो को रीनेम करके 2016 करेंगे। इस तरह आपको शीट एक का डेटा शीट दो में मिल जाएगा। आगे कुछ और शीट्स ऐड करते हैं, उसको रीनेम कीजिए 2017, 2018, 2019 etc। शीट्स की बाएं ओर मौजूद हॉरिजॉन्टल लाइंस आइकन दिखाई देगी, जिसकी मदद से आपकी स्प्रेडशीट्स फाइल में जितनी भी शीट्स मौजूद होगी उसका लिस्ट दिखाई देगा। लिस्ट में शीट नेम सेलेक्ट करते ही आप एक शीट में से दूसरी शीट पर जंप कर सकते हो। देखिए, अभी हम शीट 2015 में हैं। लिस्ट में से हम 2018 पर क्लिक करते ही सीधा शीट 2018 देखने को मिलेगा। अगर आपको साइड बाय साइड एक शीट में से दूसरी शीट में जाना हो तो आप कीबोर्ड में से शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अभी हम शीट 2018 पर है, हमें 2017 पर जाना है तो कीबोर्ड में मौजूद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप दबाएंगे। इससे हम बाएं ओर जंप होंगे और शीट 2017 में आ जाएंगे। फिर एक बाएं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप दबाने से बाएं ओर जंप होकर शीट 2016 में आ जाएंगे। अब देखो, हमें वापस शीट 2017-2018 में जाना है तो कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन दबाएंगे। इससे हम दाएं ओर जंप होंगे और शीट 2017 पर आ जाएंगे। इसी तरह फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन दबाते ही दाएं ओर जंप होंगे और शीट 2018 पर आ जाएंगे। इस तरह आप एक शीट में से दूसरी शीट में जा सकते हो। अगर आपके स्प्रेडशीट्स में बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो आपको थोड़ी दूरी की कॉलम में जाना है तो आप कीबोर्ड में से ऑल्ट प्लस पेज अप और ऑल्ट प्लस पेज डाउन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको कभी भी एक से ज्यादा शीट में काम करना हो तब इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और देखना आपको काफी फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में स्प्रेडशीट्स पे मल्टीपल शीट्स के बारे में चर्चा की।